राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। प्रदूषण बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 लागू कर दिया, जिसके तहत कई पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस को आदेश दिया है कि दमकल की गाड़ियों द्वारा पूरे दिल्ली में सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार आज पूर्वी दिल्ली मंडावली दमकल विभाग ने विनोद नगर आईपी एक्सटेंशन के साथ कई जगह पेड़ों पर छिड़काव किया। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। वही दिल्ली फायर सर्विस के चीफ डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत ग्रैप 3 लागू होते ही दिल्ली फायर सर्विस दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट इलाके पानी के छिड़काव का कार्य शुरू किया जाना है। आज दिल्ली के सभी 13 हॉटस्पॉट इलाके में आरकेपुरम, रोहिणी, पंजाबी बाग, आनंद विहार, विवेक नगर, जहांगीरपुरी इत्यादि जगहों पर 100,000 लीटर से ज्यादा पानी का छिड़काव किया जाएगा। जब तक ग्रैप 3 लागू रहे तब तक सुबह शाम पानी का छिड़काव की प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, ये अब SOP हो गया, जैसे ग्रेड 3 आता है तो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है और हमारा सेट है वो प्रोसीजर भी। जो हॉट स्पॉट हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हम सबसे पहले पानी वहाँ छिड़कते हैं। और जो पानी छिड़कने की कार्रवाई सुबह और शाम हम करते हैं, सुबह करीब 7 से 9 या 9:30 तक और शाम को करीब 3 से 5 5:30 बजे तक। इसमें करीब 10 से 12 गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं जो कि सारे ही हॉट स्पॉट पर पानी छिड़कती हैं। और ये जो गाड़ियाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो है पानी खाली करके आ जाए, ये जाती हैं फिर स्टेशन पे आती हैं, पानी भरती हैं, फिर छिड़कती हैं। जैसे करीब करीब आज हमने करीब 100,000 लीटर से ज़्यादा पानी छिड़का होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ही गेट 3 का आता, हमारे पास इंडिकेशन आता है, हम इसको क्या कहते हैं, पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। अब तो ये एक बिल्कुल SOP बन चुका है। सर, कितने कर्मचारियाँ इसमें शामिल हैं, क्योंकि पोल्यूशन है तो काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, इसमें क्योंकि ये फायर फाइटिंग नहीं है, पानी छिड़काना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम एक गाड़ी पे 3 आदमी भेजते हैं, एक ड्राइवर होता है और 2 आदमी जो पानी छिड़काव का काम करते हैं। तो आप ऐसे समझिए, अगर हमने 12 गाड़ी लगा दी हैं तो 36 से 40 आदमी करीब जो हैं इस काम में लग जाते हैं। सर, बात करें कि कब तक ये जारी रहेगा? जी, जब तक ये ग्रेड 3 रहेगा, ये हमारे पास दोबारा आएगा कि अगर एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो फिर हम बंद कर देते हैं, एयर क्वालिटी अगर ख़राब हो जाती है तो फिर हम शुरू कर देते हैं। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर, ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके जो आपको याद हो चिन्हित, कि आप वहाँ पर फिलहाल? जी, मेन जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आनंद विहार है, विवेक विहार, आनंद विहार का एरिया जो हॉटस्पॉट में आता है, आरकेपुरम भी है, पंजाबी बाग भी है, जहांगीरपुरी भी था, तो करीब 13 हैं ऐसे पॉइंट जो हॉटस्पॉट हैं। मेरे को सारों के नाम याद, रोनी भी एक उसमें है, तो ऐसे 13 स्पॉट हैं, उन पे ही ज़्यादातर पानी छिड़कते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल रिकॉर्ड किया जाता है। सर, इससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन में फैलने में काफ़ी कंट्रोल होता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए, जैसे हम सुबह पानी छिड़कते हैं, क्योंकि सुबह पानी में डस्ट बैठ जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ निकलती हैं, बस निकलती है, धूल उड़ती है, अगर धूल बैठी होगी तो कम उड़ेगी। यही शाम का रीज़न है कि शाम को जब आप लोग घर जाना शुरू करते हैं, ऑफिस ख़त्म होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बसें ट्रैफिक जो है ज़्यादा होता है उस समय, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि दालविया की रिपोर्ट।